इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में अवेलेबल जो सबसे महंगे दोनों थार हैं ये मेरे पास उपलब्ध है भाई। और आज मैं करने वाला हूँ इन दोनों थार का जबरदस्त कंपैरिजन, क्रैश टेस्ट, एक्सीडेंट्स, मतलब हाई जंप दुनिया भर की टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल तो सबसे पहले हम इसका जो कंपैरिजन है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है, हम पहले लुक के हिसाब से करते हैं। तो दिखने में तो दोनों थार जबरदस्त दिखता है एंड भाई साहब, लेकिन जो ओल्ड थार है ना भाई, इसकी अगर आप टायर को देखोगे ना तो सच में पता चल जाएगा कि ये ओल्ड मॉडल है यार। इसके टायर के बीचों में कीचड़ लगा रहता है चारों टायर में। एंड न्यू थार जो भाई, इसका जो टायर है ना, चमचमाता हुआ नजर आता है यार, चमकता रहता है। अगर हम ओल्ड थार की इंटीरियर की बात करें तो जब हम इसके अंदर में बैठते हैं तो उसका लुक कुछ इस तरह से शानदार दिखाई देता है। वैसे अगर हम न्यू थार में भी अगर बैठे ना अंदर में, तो उसका लुक भी सेम, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं यार, दोनों सेम ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम AK-47 से न्यू थार के फ्रंट ग्लास को शूट करें तो एक ही बुलेट से उसकी फ्रंट ग्लास ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। वैसे हमारी जो ओल्ड थार है उसके फ्रंट ग्लास को भी अगर मैं AK-47 के एक ही बुलेट से शूट करूँ ना भाई, तो उसका ग्लास भी टूट ही जाता है यार। अब बारी है इसकी असली टेस्टिंग की, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी अभी हम चेक करने वाले हैं। मेगा रैंक पे के ऊपर मैं अभी इसको फुल स्पीड के साथ दौड़ाने वाला हूं भाई। अभी वैसे मैं ओल्ड थार को ड्राइव कर रहा हूं, चल बेटा फुल स्पीड के साथ मैंने एक्सीलेटर को दबा दिया, देखते हैं अब क्या होता है। भाई 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 भाई, पहला तो ये मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा फर्स्ट मूवमेंट। नहीं क्या दरवाजा निकला, दरवाजा यार मेरे ख्याल से एक साइड की दरवाजा टूट चुकी है भाई। मेरा तो ओल्ड थार अनस्टेबल होकर नीचे गिरने लग गया यार, पता नहीं मैं नहीं बच पाऊंगा जैसे लग रहा है अभी। ओहो भाई, इतनी ज्यादा उलट फिर होने के बाद कौन सा ड्राइवर बचेगा यार। भाई देखते हैं अपनी क्या हालत होगी। अभी मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन दोनों दरवाजे टूट चुके हैं, सामने की ग्लास भी टूट चुकी है रे भाई। चलो अब इस नए नवेले जो मार्केट में एंट्री किया हुआ थार है ना भाई, इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं भाई, ये कितना कारीगर सिद्ध हो पाता है। अरे नहीं 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 भाई, इसने तो थोड़ा सा भी अपना स्टेबल मुकम्मल नहीं कर पाया और ये नीचे जाकर स्टेबल होकर गिरने लग गया रे भाई। अब क्या इसकी हालत क्या होगी पता नहीं। ए लो एक दरवाजा गया इसका, मेरे ख्याल से दूसरा दरवाजा भी गया भाई। ए ले 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 ले, लगता है मैं अभी नहीं बचूंगा, देखना पड़ेगा सामने इस तरफ से क्या हालत हुई है मेरी। ए मैं बच गया बच गया, इसकी ग्लास नहीं टूटी, बाकी दोनों दरवाजे इसके भी टूट गए हैं। वैसे मैं शहर के अभी सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे जा रहा, क्यों पता है, क्योंकि जो ओल्ड थार है उसको मैं अभी इसके ऊपर से जंप कराने वाला। चल बैठा जल्दी से बैठ यार, ज्यादा लेट नहीं करने का भाई, जल्दी से। वैसे वीडियो को लाइक कर दो यार, तभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाएगी कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से जंप करा पाऊं। भाई साहब क्या हालत होने वाली है इस थार की। अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, बड़े आराम से मैंने लैंड कर लिया भाई, एक ग्लास तक नहीं टूटा यार। अब हमारे नए थार को इसी तरह से हम ऊपर से जंप करवा के देखते हैं भाई इसकी क्या हालत होने वाली है। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट थार कौन सा है, ओल्ड थार या फिर न्यू थार। ओके मैंने एक और बिल्डिंग से जाकर जंप कर दिया, एले टकरा गया भाई भाई भाई, दोनों दरवाजे टूट गए यार इसके तो। हाँ बस सामने की ग्लास बची हुई है, चलो कोई बात है नहीं। अब बारी आती है इसको रोड में दौड़ाने की, असली टेस्टिंग तो अभी होगी। अभी मैं किसी भी सामने से आ रही जो कार है ना उससे अभी टकराने वाला हूँ, जबरदस्ती टकराएंगे। और अभी मैं ओल्ड थार को ड्राइव कर रहा हूँ ना भाई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ गया, मेरा बैंड बजेगा पक्का, मेरे को पता है। भाई मैंने तो बड़ी स्मूथली लैंड कर लिया यार यहाँ से, भाई लगता है कुछ नहीं हुआ मेरे को। हाँ मैं सही सलामत हूँ, बाकी दोनों दरवाजे जरूर टूट गए हैं भाई। चलो इसमें भी हम न्यू थार को जबरदस्त स्पीड के साथ दौड़ाते हैं और किसी भी सामने से आ रही सुपर कार के साथ हम टक्कर मारेंगे, जानबूझकर इससे टकराते हैं भाई। ओ ओ ओ ओ भाई, सामने वाली भी कार की दीवार लग गई एंड मेरा थार कुछ ज़्यादा ही उमड़ फुमड़ गया, मतलब स्टेबिलिटी की नाम की कोई चीज़ नहीं है इस थार में। ले भाई एक साइड का दरवाजा तो सामने तरफ दिख रहा है कि ये निकल चुका है, सामने तरफ की जो ग्लास है फ्रंट ग्लास ये भी टूट चुका है, बस एक साइड की दरवाजा बचा हुआ है।